कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने यूपी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए युवाओं का भर्ती विधान शीर्षक घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में जहां युवाओं से तमाम महत्वपूर्ण वादे किए गए, उनमें सरकार बनाने पर 20 लाख युवाओं को रोजगार देने से लेकर छात्र संघ बहाली का वादा किया गया। आज कांग्रेस पार्टी ने युवा विधान घोषणा पत्र, भारत के लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत करी है कि युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए पहले घोषणा पत्र जारी किया है। आज युवाओं के लिए युवा विधान, जिसमें 20 लाख नौजवान रोजगार लोगों को मिलेगा, नौजवानों को। और जब से लोग होता है कि उनकी परीक्षा की तिथि घोषित हो जाती, नियुक्ति नहीं मिलती है, रिजल्ट नहीं आता, कोर्ट के स्टे में मामला फंस जाता है, इन सब को उन्होंने भर्ती एक कैलेंडर जारी करें, कब से एग्ज़ाम होगा, कब आवेदन होगा, किस तारीख में नियुक्ति होगी। अगर इसका फॉलो अप नहीं होता तो वो विभाग दंडित किया जाएगा, दंड का प्रावधान है। प्रियंका जी ने चुनाव वाली छात्र संघ में, जहां राजनीति की पौधशाला होती थी, छात्र संघ को एक पूंजीवाद के दबाव में छात्र संघ प्राइवेट कैसे शिक्षा का हो, इस आधार पर कोई छात्र नौजवान अपनी हक की आवाज़ ना उठा सके, छात्र संघ को रोक लगा दी गई, उसकी बहाली का वादा किया है इस विधान में। और नौजवानों को प्रेरित किया है कि आप कांग्रेस पार्टी की तरफ आइए और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के हाथ से हाथ जोड़कर, हाथ उठाकर, जान को मजबूत कर, नौजवानों की नहीं अपने हक की आवाज़ को खुद बुलंद कीजिए, अपनी लड़ाई खुद लड़िए, नए भारत, युवा भारत को मजबूत भारत बनाने का काम करिए। इस मैनिफेस्टो के अंतर्गत क्या महिलाओं की सुरक्षा और अन्य मुद्दों के बारे में भी विचार है? कांग्रेस अलग अलग घोषणा पत्र जारी कर रही है, एक महिलाओं का पहले जा चुका है, उसके बाद उसमें 40% हम लोग ने हिस्सेदारी तमाम से, अब की बार आज नौजवानों का अलग अलग कांग्रेस घोषणा पत्र जारी कर रही है। युवाओं का भर्ती विधान, युवाओं का भर्ती, महिलाओं का 9 दिसंबर